जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ। कपास की गठानों की अफरा तफरी करने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। 5 में से अब 4 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं, जबकि एक आरोपी अब रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामला नवंबर 2022 का है और इसमें लगातार पुलिस की जांच जारी है। व्यापारी भी संदेह के घेरे में है। कपास का मामला ऐसा था, नवंबर 2022 में अपने डायमंड ट्रांसपोर्ट से, हनुमान जीनिंग का माल ट्रांसपोर्ट से अपने कोल्हापुर के लिए रवाना किया गया था। कोल्हापुर में रास्ते में ड्राइवर और उनके साथियों द्वारा मिलकर योजना बनाई गई कि अपन इस की ट्रक ख़राब करना बताएंगे और माल अफरा तफरी करके ट्रक को आग लगा दिया। तो ये लोग औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट वाले उनको सूचना दी कि ट्रक ख़राब हो चुका है और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने ये बताया कि माल जल चुका है, मतलब ट्रक जल चुका है और इसकी रिपोर्ट हमने औरंगाबाद के थाने पुडलिक थाने में रिपोर्ट लिखाई है। तो उसकी जांच हितेंद्र सिंह चौहान सर ने की है, उसके ऊपर से अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, 5 में से 4 जेल चले गए हैं, 1 पुलिस रिमांड पे हैं। चौथा आरोपी है जो सद्दाम है, जिनने गंदवानी में किराए से गोडाउन लिया था, जिस व्यापारी का उसने किरायेनामा पेश किया, उससे 80 गठाने कपास जब्त करके उसको जेल भेज दिया। और अभी अन्य आरोपी से पूछताछ जारी है। जो जब्त करी गठाने में कितने की मूल्य कम बताया जा रहा है उसका? हाँ, उसका मूल्य थोड़ा, अब वो रखी हुई थी इतने दिन से, तो अब ये व्यापारी जब तस्दीक होगी, उसकी शिनाख्त होगी, तब वो बता पाएगा। व्यापारी पर भी कोई मामला बन रहेगा? नहीं, व्यापारी अभी जांच में है। अगर व्यापारी अगर उसमें आरोपी बनेगा तो उसमें आरोपी बनाएंगे, लेकिन अभी तो उसने किरायेनामा पेश किया है, उसकी जाँच चल रही है।